कल हम लोगों ने बात करी थी किसकी, रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी कंजुगेटेड सिस्टम की। तो कई सारे सिस्टम्स हमने कर लिए थे, मेरे ख्याल से हमने फ्री रेडिकल वाले तक कर लिया था, ये वाला कर लिया था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट कौन सा टाइप है, ये थ्री वाले जो हैं, ये जो थ्री पहले बताए हैं मेजर वे में हमको यही मिलते हैं, इनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है आपका, वो आपका है पाई सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन। मतलब कहीं पे पाई बॉन्ड होगा, फिर सिग्मा होगा, फिर पाई होगा, ये कॉन्जुगेशन अगर आपको मिलता है तो आप कैसे इसको देखेंगे। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया, अब यहाँ पे अगर देखो तो ओ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ओ में अच्छी खासी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो होगा क्या, ये वाला जो एल, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा। इसकी जब शिफ्टिंग होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव सेंटर अगर डेवलप हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी इस तरीके का कॉन्जुगेशन होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ओ निगेटिव तो है ही आपका। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सबको ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसका आरएच लिखने की, तो आरएच इसका हम कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। डबल बॉन्ड को अगर देखो तो डबल बॉन्ड आपका कैसे कैसे शिफ्टिंग हो रही है, डबल बॉन्ड की CH2 CH CH, सब में पहले सिंगल बॉन्ड हम लगा देते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड आप अप्लाई कर दो, फिर उसके बाद देखो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर बीच वाली पोजीशन में डबल बॉन्ड, और पहले वाले में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था। सारी पोजीशंस में डबल बॉन्ड हो गया। अब चार्ज देख लेते हैं, पहली स्पीसीज में तो चार्ज था नहीं, दूसरे वाले में यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये तीसरे वाले में देखें हम तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर है बात। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ओ अटैच है। अब इसका बनाना है, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएगी। अब शिफ्टिंग होगी तो देखो क्या होगा। जब यहाँ पे शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पॉजिटिव सेंटर डेवलप होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होता है तो ये इस बॉन्ड को भी पुल करेगा। तो अगर हम इसको भी एक साथ दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बना जिसकी वजह से ये पॉजिटिव ने इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल किया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब अगर हम इसका आर एच लिखना चाहें तो आर एच हम कैसे लिख सकते हैं, तीन, आप ये बीच वाला भी बनाना चाहते हो, ये वाला
यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और आप कह रहे हो उसको ऐसे ही रखें हम, है ना, ये कह रहे हो। ये क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बन सकता है लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो बन जाता है आपका इस पे, ठीक है, दिखाने को हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। आर एच हमने क्या बनाया अब इसका, यहाँ पे ओ ले लो आप, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक बार डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था। अगर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की बात करो तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आपका, ये बहुत, ये वाली बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इसको इसलिए इसको काउंट नहीं करते। अब देखो, अब एक और एग्जांपल बताते हैं, इसमें आप लोग करके बताना कैसे करें। थ्री बॉन्ड्स है आपके यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सी एच ओ ग्रुप है, एल डी हाइड बेंजीन रिंग है और एल डी हाइड ग्रुप है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई दिखाई दे रहे हैं, पाई सिग्मा पाई, ये वाला सिस्टम तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे ले जाओगे, हम देख रहे हैं पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन, तो इसमें जब आप इसको यहाँ पे ले जाओगे तो होगा क्या, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा वैसे ही ये शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस पे निगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये वाला यहाँ जैसे पॉजिटिव सेंटर डेवलप होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा ये, और इस बॉन्ड का हुआ है तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बाकी तो सिस्टम वैसा ही रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कैसे बनाया हमने। अब क्या करना है, अब यहाँ का तो काम खत्म हो गया हमारा, पाई सिग्मा इसका, अब हमारे पास फिर से वैसा ही सिस्टम दिखाई दे रहा है हमको, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कॉन्जुगेशन इस टाइप का। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें तो ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या होता था, पाई बॉन्ड ब्रेक होता था और पॉजिटिव क्या बन जाता था, डबल बॉन्ड। पॉजिटिव को क्या बनना है, डबल बॉन्ड बनना है यहाँ पे ऐसे, और अब यहाँ का बॉन्ड गायब हुआ है तो इस पे पॉजिटिव, फिर वही सिस्टम डेवलप हो गया आपका, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से शिफ्टिंग हो जाएगी। देख पा रहे हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सबको क्लियर हो रहा है। कई बार क्या होता है, जब हम ये नया नया बनाना सीखते हैं तो कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब मैं किसी बच्चे को वो नहीं कर रही हूँ, ये कह रही हूँ कि कई बार ये चीज़ नहीं समझ आती। जैसे अब इस बॉन्ड को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वाले सेंटर पे आपका यहाँ से गायब हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव और ये मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे आपके, और ये तो ऑलरेडी था ही था आपका,
अब यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, इस कार्बन को तो कोई नुकसान हुआ नहीं क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अब देख रहे हो कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी और फिर अल्टीमेटली हम यहाँ से जाते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। देख पा रहे हो आप पॉजिटिव चार्ज कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव यहाँ से फिर कहाँ पे आया, इस पे आया, फिर कहाँ पे आया, ये वाले पे आया, अब फिर कहाँ आ गया, इस सेंटर पे, एक एक कार्बन को छोड़ के डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया 1 3 1 3 पोजीशन चलती है, तो 1 पे पहले अगर पॉजिटिव है तो अब 3 पे चला जाएगा, फिर 3 पे है तो अब 5 वाले पे चला जाएगा अगर कंटिन्यूअस में दिनों वैसे तो। तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्या बनेगा, अब यहाँ पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो अब क्या हो सकता है नेक्स्ट में बताइए। हाँ ये पाई बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा, नीचे की तरफ हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर अगर हम अगला स्ट्रक्चर बनाएं। ये तो था ही था, अब ये बन जाएगा हमारा, और इस बॉन्ड की हमने कर दी थी शिफ्टिंग, तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड और यहाँ पे डेवलप हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव तो था ही था। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फिर से क्या बना देंगे आपका, अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हमारा क्या बना देंगे। फिर से शिफ्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। अब आर एच की अगर बात करो तो आर एच को हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड तो पूरी रिंग में गया है, ठीक है, फिर एक बार डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी बना है, इनिशियल वाले में डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था। अब नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं, नेगेटिव केवल इस पे ही आया था ओ पे, सारे स्ट्रक्चर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, पॉजिटिव इस पे भी आया था, पॉजिटिव यहाँ पे भी डेवलप हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे भी डेवलप हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे भी डेवलप। तो अगर देखें ये वाला ग्रुप, ये जो सी एच ओ लगा हुआ है, सी एच ओ के कंपेरिजन में ये पोजिशन ऑर्थो, ये पोजिशन ऑर्थो, ये पोजीशन पैरा, ये पोजीशन मेटा होगी, ये सबको समझ आ रही है बात, ऐसे अटैच है ये सी एच ओ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है और नीचे वाली पे प्लस आ रहा है, अगर इसको ऐसे देखो मॉलिक्यूल को, तो इसका मतलब मेटा वाली जो पोजीशन है वो क्या है, वैकेंट है, यहाँ पे नहीं आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई निगेटिव स्पीसीज इस पे अटैक करती है तो मेटा पे कंपाउंड बनाएगी क्या, चांसेस क्या है, मेटा वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर है बात, इतनी स्ट्रक्चर बनाना सीख गए सब लोग, कैसे बना रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर। इसको क्या हो जाता है पे देखते हैं यूज करके यहाँ पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस की, इसको मैंने फिर से क्यों बड़ा किया, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट केस पे जो हमारा फिफ्थ केस है, एलपी सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर दिखाई दे आपको, सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, या वैकेंट और वाइट हो
हो किसी के पास। जैसे अगर स्ट्रक्चर हम बात करें, CH3 NH CH2+ ये दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को अगर देखो, ये NH ग्रुप को हम इमीन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अमीन भी होता है, इमीन ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये NH है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक लोन पेयर है LP, फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कॉन्जुगेशन बन सकता है। अब इसमें होता क्या है, लोन पेयर इधर की तरफ मूव करेगा। लोन पेयर यहाँ पे चला गया, अब लोन पेयर जब यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा आपका, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अगर हम RH लिखना चाहें तो RH क्या लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे था नहीं, और यहाँ पे एक बार कहाँ पे डेवलप हुआ, यहाँ पे डेवलप हुआ डबल बॉन्ड। दूसरी अगर हम बात करें कि भाई अगर बात की जाए आपकी पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था और पॉजिटिव चार्ज इस पे भी डेवलप हुआ, ये बन गया इसका RH। अब देखो इसमें एक चीज है जिसको अभी बताते हैं आपको, स्टेबिलिटी से रिलेट करके। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो चार दिए हुए एक कंपाउंड के, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक फैक्टर होता है निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा सिस्टम, और इसका अगर अपोजिट है निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अगर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, निगेटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है तो वो लेस स्टेबल होगी स्पीसीज, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होगा। ये मोटी मोटी बात याद रखेंगे हम लोग, बाकी और भी बातें हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड जिसको करने वाले हैं। ये पॉइंट बता तो नहीं चुके थे आपको पहले से, सबको आवाज आ रही है, तो आपने बताया नहीं, आप लोगों ने ये पॉइंट पहले से बता चुके थे या नहीं। ऐसा सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो LP सिग्मा और पॉजिटिव बन गया कॉन्जुगेशन। तो क्या करें, लोन पेयर जहाँ पे होगा, लोन पेयर आपका क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, एक ये हो गया। अगर RH बनाओ तो कैसे बना दोगे, CH3 O CH2 लिख दो, और डबल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हुआ है, पॉजिटिव एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो ऐसा कोई सिस्टम हमें दिखाई देता है, यहाँ पे हमारे है CH2 पॉजिटिव, तो अब इसको देखो, तो आपका LP है, फिर सिग्मा है, LP है लोन पेयर, फिर सिग्मा है, फिर पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो अगर, तो पाई बॉन्ड सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इस तरीके से अगर देखो आप, तो इसमें कई तरीके के कॉन्जुगेशन बन सकते हैं। कैसे कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, LP को यहाँ पे लाते हैं,
एलपी को जब यहाँ पे लाओगे आप तो क्या होने वाला है, एलपी को जैसे ही आप यहाँ पे लाओगे यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन ऑफ एटम चेंज होना नहीं है रेजोनेंस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो आप क्या होगा, यहाँ पे अगर डबल है और यहाँ पे भी डबल है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी भाई। फाइव वैलेंसी तो हम शो नहीं कर सकते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन की, वैलेंसी तो फोर ही रहनी है। तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये शिफ्ट होगा इधर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा आपका, माइनस चार्ज। ये बात सबके समझ आई? अगर ये सी एच था तो एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेचुरेट हो गई, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, केवल एक ही स्टेप दिखाते हैं अगर इसमें, तो हम कैसे दिखाते हैं अगर इस डबल बॉन्ड को हम नहीं छेड़ रहे। ये आपका था, ये एलपी को हमने यहाँ पे उतारा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड आ गया और इस तरफ भी अगर आप डबल बॉन्ड दिखाओगे तो कार्बन के चार तो यहीं पे हो गए और ये पांचवा हाइड्रोजन से हो जाएगा, तो वैलेंसी अनसेचुरेटेड हो जाएगी। मतलब आपका फाइव वैलेंसी तो आप कार्बन की दिखा नहीं सकते। तो अब क्या होता है, जैसे जब ये होता है तो इसके साथ साथ ये इसकी भी शिफ्टिंग हो जाती है, साथ साथ में ये वाला पाई बॉन्ड भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव और यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है बात? तो एक स्ट्रक्चर तो ये पहला वाला बन गया, ये दूसरा बन गया। अब कोई और भी हो सकता है क्या, कोई और भी हम लोग बना सकते हैं? यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ पे पाई डेवलप हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका एलपी आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर इस नेगेटिव चार्ज को फिर से यहाँ पे मूव कर दो आप, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्या, एलपी सिंगल बॉन्ड सिग्मा फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, तो इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो आप। जैसे इसको यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये सिस्टम बन जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो अब पॉजिटिव चार्ज पहले वाले स्ट्रक्चर में लेफ्ट में था, अब ये कहाँ पे आ गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज आपका राइट पे आ गया सेकेंड स्ट्रक्चर में। पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो अगर आप, तो पहला वाला स्ट्रक्चर आपका प्लस वन चार्ज वाला था, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये वाला कौन सा बन गया, थर्ड बन गया। अगर तीनों स्ट्रक्चर को देखो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी आप बनाओगे तो ओवरऑल चार्ज सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरऑल चार्ज आपका किसी में प्लस वन आ रहा है किसी में प्लस टू आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज, ये तो एलपी है, ओवरऑल चार्ज की अगर बात करो तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, ये प्लस, और हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर है ये, तो निगेटिव चार्ज नहीं है, प्लस वन आ रहा है इस स्ट्रक्चर में। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या था, ये प्लस वन, ये निगेटिव चार्ज, ये प्लस वन, तो अगर आप देखो तो प्लस वन माइनस वन ये कट जाएंगे और प्लस वन बचेगा। थर्ड वाले में कहीं पे भी इस तरीके का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल प्लस वन दिखाई दे रहा। अब इसका आर एच लिख सकते हो आप, आर एच लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। सीधे सीधे क्या करना है, जहां जहां पे चार्ज आपको दिख रहे हैं और जहां जहां पे बॉन्ड दिख रहे हैं, वो आप ओ एच पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे एक बार हो चुका है, इस पोजीशन पे एक बार, इस पोजीशन पे, तो इन तीनों पोजीशन में डबल बॉन्ड शो कर रही है।
एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, एक बार पॉजिटिव चार्ज आपका ओ पे था, और निगेटिव चार्ज को अगर हम देखें तो निगेटिव चार्ज इस पे आया था। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑरेंज, ये हमारा थर्ड केस है। ये लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें कैसे करना है हमको कॉन्जुगेशन, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसमें कॉन्जुगेशन पर करना कैसे है वो बता देती हूँ आपको। ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये सिग्मा दिख रहा है, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट होगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एलपी को इधर ले जाएंगे, एलपी को जब इधर ले जाओगे तो इस बॉन्ड का अभी शिफ्टिंग होगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट होते होते पूरी आपको कैसे दिखानी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आपको कॉन्जुगेशन दिखाते हुए स्ट्रक्चर बनाना है। कल जो आपको होमवर्क में दिए थे उनको आपने प्रैक्टिस करके देखा बना के, कि बन पा रहे नहीं बन पा रहे, किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, साथ साथ में करेंगे नहीं तो काम कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ। मेरी आवाज आ रही है सबको? अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनके स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ज़्यादा बहुत क्वेश्चन आते हैं, चार स्ट्रक्चर दे देंगे किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग, और बोलेंगे कि भाई इसमें क्या आपको दिखाना है, इसमें आपको दिखाना है कि कौन सा लीस्ट स्टेबल है, कौन सा हाई स्टेबल है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। या स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिस्कस कीजिए आप, 1 2 3 4 ऐसे करके बोल देते हैं। तो उसमें हमें क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स याद रखने होंगे, और वो प्रायोरिटी पे, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स में पहले हम पहला रूल देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से एक एक रूल को देखते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा या ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बात की जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहली बात करें फर्स्ट रूल की, तो फर्स्ट रूल की अगर बात करो तो सबसे पहला होता है कि हमें देखना पड़ता है विच हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा उसको हम देखते हैं कि वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा होता है तो क्या चीज होती है, जैसे मान लो ए और बी मिलके कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है इसके कई सारे स्ट्रक्चर है, RS1 है, RS2 है, RS3 है, इसमें 5 बॉन्ड है, इसमें 4 बॉन्ड है, इसमें 4 बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड का नंबर जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे ये 5 बॉन्ड वाला है ना, ये इन तीनों में मोर स्टेबल होगा। इसका रीजन क्या होता है, देखो ये प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनने में बॉन्ड ज्यादा बने, इसमें 5 बॉन्ड्स बने, तो इसमें 5 बॉन्ड्स बने तो हमें पता है कि बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है दैट प्रोसीजर इज एक्सोथर्मिक। इन जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, रिएक्शन में एनर्जी निकलती है बॉन्ड जब फॉर्म होता है। तो एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि जो कंपाउंड बन रहा है एनर्जी रिलीज करके बन रहा है, मतलब आपका क्या है, एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की। और कभी भी एनर्जी अगर कम होती है किसी सिस्टम की तो उसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी।
तो ये तो मैंने आपको एनर्जी से रिलेट करके बता दिया। बाकी आपको स्ट्रक्चर में देखना क्या है, जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये स्ट्रक्चर। हाँ, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, मतलब तो बॉन्ड में कोवेलेंट देखना है अपने को। अभी और भी रूल्स बताते हैं। जैसे मान लो ये है स्ट्रक्चर अपना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारा, अगर देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, और ये स्ट्रक्चर के बीच वाले बॉन्ड्स को देखना है, इनको नहीं, ये CH3 CH2 इसको नहीं देखोगे आप, क्योंकि बाकी जो होगा साइड का वो सेम ही रहेगा। तो आप बीच वाले बॉन्ड्स को देख लो, 1 2 2 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं बीच में। वैसे तो आप देखोगे तो 2 ये हो गए आपके, +3 5, 5 +2 7 बॉन्ड्स हो गए। और यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 3 बॉन्ड्स ये हो गए और 5 ये, तो 8 हो गए, ठीक है। लेकिन हम बीच वालों को देखते हैं तो ये 3 बॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बॉन्ड वाले रूल से अगर हम देखें तो कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, जिसमें बॉन्ड ज़्यादा हैं, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन वन, ये हो जाएगा ये वाले रूल से। इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखो, जैसे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल नंबर 2 देखते हैं कि सपोज आपके बॉन्ड का नंबर सेम है। आपने पहले रूल को देखा कि, तो पहले रूल में क्या आ गया, बॉन्ड नंबर सेम आ गया। तो मतलब अब ये रूल तो लगा नहीं सकते कंपैरिजन में, दोनों में सेम आ गया। तो अब सेकंड रूल में हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड में देखते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज है, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है, या चार्ज्ड। तो न्यूट्रल स्पीसीज और चार्ज्ड स्पीसीज में अगर हम कंपेयर करें तो न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज है, मान लो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसी ना किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले को, और रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई पॉजिटिव स्पीसीज आती। न्यूट्रल वाले के चांसेस हैं कि वो न्यूट्रल बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल में हमें मोटी मोटी बात क्या समझनी है, कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। न्यूट्रल अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो चार्ज के कंपैरिजन में उसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे स्टेबिलिटी में, अगर उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होते हैं। तो पहला रूल अगर सेम आता है तो न्यूट्रल और चार्ज देखेंगे, अगर न्यूट्रल है तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है बात? जैसे मान लो आपके पास ये स्पीसीज है, डबल बॉन्ड है आपका, 2 1 3 बॉन्ड हो गए। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका, अगर इसको देखो, इस स्पीसीज को, तो 1 2 3 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 3 बॉन्ड है। पहला रूल तो गया क्योंकि दोनों बॉन्ड सेम हो गए। अब इसको देखो, ये कैसी स्पीसीज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस स्पीसीज में आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी अगर दोनों को कंपेयर करो, ये ए है ये बी है, न्यूट्रल वाली ज्यादा स्टेबल होगी? यस और नो? अब देखो, किसी में मान लो कि दोनों ही न्यूट्रल मिल गए या दोनों ही चार्ज मिल गए और बॉन्ड भी सेम है, ठीक है,
तब हम लोगों को किस पे जाना पड़ेगा? तब हम लोगों को दूसरी बात पे, थर्ड रूल पे जाना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, बता दीजिएगा बच्चे। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है। अब इसको अगर हम लोग करें, इसको आप इधर ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, इस पेयर को, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम देखें, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, तो आपका नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3, 1 2 3, तो बॉन्ड भी सेम हो गए। कौन से ऊपर पॉजिटिव चार्ज? ये वाले हाइब्रिड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? ये तो इसका वो था ना, लोन पेयर था ना, इसको आपने शेयरिंग में ही तो दिया है, इसको आपने शेयरिंग में ही दिया, इससे गायब थोड़ी हुआ ये, यहीं पे तो आई। कहाँ पे? ये जो स्पीशीज थी ना पहली वाली, क्यों नहीं पीछे जा रहा भाई? ये आ गया अपना, इसकी इसकी बात कर रहे हो ना, इससे भी पीछे जाऊं? एन में लोन पेयर को यहाँ पे नीचे किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, आप ये कह रहे हो, है ना? और यहाँ पे जब हम नीचे कर रहे हैं, क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्ड से थोड़ी अटैच होगा, ऑक्सीजन को ही किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड से थोड़ी अटैच होगा, ये ओरिजिनल कंपाउंड ये हो सकता है, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। अब ये विनाइल अल्कोहल से ये H प्लस गायब हुआ है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये दो लोन पेयर हैं और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसीलिए जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके, अच्छा बॉन्ड सेम हो गए, अब इसमें बॉन्ड भी सेम हो गए, नेगेटिव चार्ज भी हो गया सेम, अब क्या करें? अब थर्ड कंडीशन देखनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन में हम क्या देखते हैं, अभी जो पहले आपको कंडीशन बताई थी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबल होगा सिस्टम। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर किसी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कैसा होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एटम कार्बन है या ऑक्सीजन है जिस पे चार्ज है, तो कार्बन पे, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, और अगर सेकेंड स्ट्रक्चर को देखो, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में कार्बन पे माइनस चार्ज है, चार्ज ऑन ऑक्सीजन, और यहाँ पे चार्ज ऑन कार्बन, तो दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन ज्यादा है,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में, तो अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल हो गया सिस्टम, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट बात हो जाएगी, तो ये वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला, या ए नाम दे देते हैं। सबको बात क्लियर हुई या नहीं? बॉन्ड सेम हो गए, चार्ज भी सेम हो गए, तब थर्ड रूल हमने लगा दिया, उसमें क्या देखा कि जो दोनों में से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इस स्ट्रक्चर में भी देखो और इस स्ट्रक्चर में भी देखो, उसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस पर निगेटिव चार्ज है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले पे तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा करवाएगा, और अगर आपका ऐसा है जिस पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबिलिटी को डाउन करेगा, या उसकी उल्टी बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लगा रहे हैं रूल, ये वाला अप्लाई कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे है तो ये तो अपोजिट हो गया इसके, तो ये स्टेबल ज़्यादा। सबको बात क्लियर है? लेकिन रूल्स को प्रायोरिटी वाइज ही देखना है, ऐसा नहीं कि पहले रूल को देखा नहीं और दूसरे तीसरे को देखने लगे, एक एक करके ही रूल्स को देखना। जैसे हम लोग बात करें कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर कार्बोनेट के स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग रेजोनेटिव, ठीक है, देख पा रहे हैं सब लोग? थ्री स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए, इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, सबसे पहला रूल कौन सा था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो पहले स्ट्रक्चर में अगर कोवेलेंट बॉन्ड की काउंटिंग करो तो बॉन्ड आपके कितने, फोर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यहां पे थ्री बॉन्ड है, यहां पे भी थ्री बॉन्ड है, तो पहली पहले रूल की प्रायोरिटी को अगर देखो तो ए को सबसे ज्यादा पॉइंट मिल गए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो अब ये पहले रूल से ही अलग हो गया तो इसको हम हाईएस्ट मान लेंगे, अब बी और सी में कंपेयर करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, बी और सी में कंपेयर करो, बी और सी को अगर देखो तो बी और सी में अगर आप देखो तो आपका हमारा फर्स्ट रूल बॉन्ड वाला तो सेम है क्योंकि थ्री थ्री बॉन्ड है, सेकंड रूल क्या था अपना, सेकंड रूल हम कौन सा लगाए, चार्ज की बात कर लेते हैं, चार्ज देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेकेंड बी वाले स्ट्रक्चर में माइनस 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 ऑक्सीजन पे है, ठीक है, लेकिन देखो अगर स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो जो सेम चीजें होती हैं उनको अलग कर लेते हैं, तो सेम चीजों को अलग करते हैं, अगर बी और सी को देख रहे हैं हम तो यहाँ पे देखो ये नीचे का पोर्शन ये पूरा सेम है,
ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, तो इससे कंपेरिजन नहीं करेंगे हम, अब कंपेरिजन इस सिस्टम से करेंगे। यहाँ पे अगर देखो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो कार्बन पे शुड बी, अगर स्टेबल बनाना है तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए अगर स्टेबल बनाना है सिस्टम को। तो पहले वाले अगर क्वेश्चन इसमें देखो बी में, तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, और यहाँ पे अगर देखो तो कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, जस्ट रिवर्स कंडीशन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ये कम होगा। क्लियर है सबको? सब लोग बताइए सबको क्लियर हुई बात? सब यस बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं आई तो बताओ। ए सबसे ज़्यादा पहले ही हमने कर दिया था, और बी और सी में बी को ज़्यादा कर दिया सी को कम कर दिया, क्योंकि बी में जो हमको स्टेबिलिटी की रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए वही है, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, लेकिन सी में जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई है तो ये कम स्टेबल हो जाए। क्लियर है? अनुकृति विधि, विकास, हर्ष, हर्षित, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के, फॉर्मिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर देख लो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ पे भी OH में है 4, तो ये 4 बॉन्ड वाले हो गए नीचे वाले, और ऊपर वाले 5 बॉन्ड वाले, देख पा रहे? तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ज्यादा स्टेबल कौन होगा अगर ए बी सी नाम दे दे? ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे सी एंड डी के कंपैरिजन में, बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग अभी हमने बात करी जो। ठीक, अब ए और बी में देखते हैं कौन ज्यादा होगा और सी और डी में कौन ज्यादा होगा, तो ऑर्डर हमारा सेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग कि किसका ज्यादा सबसे ज्यादा किसका सबसे कम। अब देखो सी और डी को पहले देख लेते हैं। सी और डी में अगर देखो आप, तो सी पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे निगेटिव होना चाहिए, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होना चाहिए। डी वाले स्ट्रक्चर में जस्ट अपोजिट कंडीशन बना दी गई है, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि सी वाली हमारी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग है और डी वाले की कंडीशन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सी और डी में सी ज़्यादा है और डी कम है। क्लियर है इतनी बात? इसमें अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल के अकॉर्डिंग है स्ट्रक्चर, और इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल के अपोजिट है, तो जो अपोजिट होगा वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा और जो उसके अकॉर्डिंग होगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब ए और बी को कंपेयर करें, यस और नो? अब ए और बी को देख लेते हैं भाई। ए और बी को अगर देखो तो ए में आप क्या देख पा रहे हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम ही है। अब हमें देखना है कि एक स्पीसीज न्यूट्रल है और एक पे चार्ज है,
है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों, अगर ओवरऑल में देखो तो ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसको चार्ज स्पीसीज बोला जाएगा, इसको न्यूट्रल। तो मैंने बताया आपको कि न्यूट्रल ज़्यादा वो होगी स्टेबल। ए एंड बी में अगर हम देखें तो ए आपकी न्यूट्रल है और बी आपकी क्या है, चार्ज्ड है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, न्यूट्रल वाला। तो ए सबसे ज़्यादा, बी उससे कम, अब सी और डी इससे कम है, और आपको पता है कि सी और डी में सी ज़्यादा है आपका और डी कम है, तो कौन आ जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ये ऑर्डर बन जाएगा क्या? सबको क्लियर है बात? सबसे पहला काम क्या किया, नंबर ऑफ बॉन्ड देखे। नंबर ऑफ बॉन्ड देखने से हमको पता लग गया कि भाई ए और बी में 5 5 है और सी और डी में बीच में अगर जितने भी बॉन्ड हैं उनको काउंट करें तो 4 4 है। तो ए और बी की स्टेबिलिटी ऑब्वियसली सी और डी से ज़्यादा होगी। फिर दूसरा हमने काम किया, सी और डी में कंपेयर किया, तो सी वाले में अकॉर्डिंग टू रूल था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल कि भाई पॉजिटिव चार्ज आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, जबकि डी में इसका अपोजिट था, तो डी स्टेबिलिटी को डाउन कर देगा सिस्टम और सी इंक्रीज कर देगा, तो सी ज़्यादा डी कम। ए बी को कंपेयर किया, तो ए बी को जब कंपेयर किया तो बॉन्ड तो सेम थे, फिर सेकेंड रूल लगाया। सेकेंड रूल में हमने देखा कि एक स्पीसीज ऐसी है जो न्यूट्रल है, दूसरी वाली जो है वो चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, तो ए ज़्यादा हो गया बी के कंपैरिजन में। अब नीचे वाले दोनों कम हैं तो ए सबसे ज़्यादा कर दो, बी उससे कम, फिर सी, फिर डी। क्लियर? टाइम बताइएगा बच्चा पार्टी। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं चार के चार। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लीस्ट स्टेबल, दिमाग लगाओ भाई, कौन बताएगा? सबसे पहले क्या देखें? तो ए और सी को देखो, ए और सी में चार चार बॉन्ड दिख रहे हैं हमको, और बी और डी में थ्री थ्री बॉन्ड्स दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं सब लोग? ए वाले स्ट्रक्चर में 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ए और सी में 4 बॉन्ड, और बी और डी में कितने बॉन्ड हो गए आपके, 3 बॉन्ड। ये तो सब लोग देख पा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ए और सी को प्रायोरिटी देनी है आपको बी और डी के कंपैरिजन में। ठीक, थोड़ा सा हम लोग अब क्या देखें, सेकेंड चीज,
नहीं, अगर मान लो सबको कंपेयर करना है, फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्यों? हाँ, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव भी तो है। सी वाला सबसे ज्यादा होगा, क्यों? और कोई? और कोई बताना चाहता है? कोई नहीं बताना चाहता, मैं बताऊं? देखा जाए, देख, पहले हमने बोला ए और सी में फोर बॉन्ड्स हैं आपके, तो ये ज़्यादा होगा, बी डी आपके कम होंगे। ठीक है भाई, तो ए और सी में कंपेयर कर लेते हैं कौन होगा। या अगर इसमें क्वेश्चन में लीस्ट स्टेबल पूछा गया है, तो लीस्ट स्टेबल में आप क्या कह सकते हो? लीस्ट स्टेबल में आप बी और डी को चेक कर सकते हो। बी, हाँ, बी और डी को अगर चेक करो तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे पहले वाले में, और आपका इस पे डी वाले में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देख पा रहे हो आप। इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, तो ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के अकॉर्डिंग है ना? और ये वाली कैसी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के अपोजिट में है। यस और नो? तो ये वाले के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें, तो बी आपका क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, डी आपका कम स्टेबल होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में अगर आपसे लीस्ट स्टेबल पूछा हुआ है, तो लीस्ट स्टेबल आप इसी को बता सकते हो, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल गया है ए सी ज़्यादा है, बी डी उनसे कम है, और बी और डी में भी हमने कंपेयर कर लिया कि डी सबसे कम है, मतलब इससे हो गया, तो लीस्ट ये निकल गया। सबको ये बात क्लियर है या नहीं? अब अगर हाई स्टेबल पूछ लिया, हाईली स्टेबल, तब क्या आंसर देंगे आप? लीस्ट तो हमने बोल दिया डी है, हाईली स्टेबल में ए और सी को कंपेयर करना पड़ेगा। ए सी को कैसे करें? हाँ, इसमें इन दोनों में अगर कंपेयर करना है, तो कॉमन फैक्टर को हटा दो, एन प्लस को हटा दो, देख पा रहे हो? ये कॉमन फैक्टर है अपना, सब लोग देख पा रहे हैं? ये किसी का माइक ऑन है जिससे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आपने माइक ऑफ करो एक बार के लिए। तो फिर हमारे सिस्टम से ही आवाज क्यों आ रही है?